क्या आपके भी घर में पत्ता गोभी खाना कोई पसंद नहीं करता है? या फिर वही वही सब्जी बनाकर और खाकर अगर आप हो गए बोर, तो आज मैं आपको पत्ता गोभी का एक जबरदस्त क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बताने वाली हूँ, वाओ, जिसके बाद हर कोई पत्ता गोभी का फैन हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, साथ ही में हम 3 हरी मिर्च, ये कम तीखी वाली है, तीखापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने इस तरह से काट के लिया है। अब हम बिना पानी डाले इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश करके एकदम फाइन यानी कि एकदम बारीक काट कर लिया है, ये लगभग 2 कप इतना है। आप चाहो तो इसे छुरी से भी बारीक काट कर या फिर कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ये पेस्ट बनाकर रेडी रखी है इसे डाल देते हैं। साथ ही में मेरे पास बारीक कटा हुआ फ्रेशली धनिया है, ये लगभग आधा कप है, क्योंकि धनिया के वजह से जो पत्ता गोभी का एक अलग सा स्मेल होता है वो नहीं आता है और टेस्ट में भी ये काफ़ी बढ़िया लगता है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, इससे हमारी जो वड़ी है वो क्रिस्पी बनेगी, और 2 बड़े चम्मच सूजी यानी कि रवा। यहाँ पे आप सूजी बारीक वाली या मोटी वाली ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा और हल्का सा नटीनेस भी आएगा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, क्योंकि हमने इसमें पत्ता गोभी और बेसन का इस्तेमाल किया है तो अजवाइन इसे पचाने में काम करेगा, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया और जीरा का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहो तो इसमें गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा और बेसन मिला सकते हैं, बट मेरे लिए इतना बेसन काफ़ी है। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो हल्का सा हाथों में लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब पानी लेंगे और इसे हल्का सा स्प्रिंकल करके अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। पत्ता गोभी अपना खुद का पानी भी छोड़ता है जिसकी वजह से इसमें और पानी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल एक डो की तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने इस तरह की स्टील की थाली ली है, आप चाहो तो कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे घी से ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये जो पूरा मिक्सचर है इसे इसमें डाल लेते हैं और इवनली इसे फैला देते हैं। तो अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने इस इडली कुकर में 2 गिलास पानी को गर्म करने रखा था। इसमें मैंने इस तरह की एक जाली रखी है और ऊपर इस तरह का एक स्टैंड रखा है, क्योंकि हमें इसे पानी से थोड़ा ऊपर ही रखना है। तो थाली को अब रख देते हैं, इसे ढक देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो गया है तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए अच्छे से ये स्टीम होके रेडी है और ये हल्का सा फूल भी गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और थाली को निकाल कर ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अब ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो इसे मैं मीडियम साइज़ के स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ट हो जाता है क्योंकि हमने इसमें घी लगाया है। ये देखिए मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, परफेक्टली कुक हो चुका है। आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से इसके पीसेस कट करके आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इन्हें और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1/2 कप पानी डालकर इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। देखिए बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है ना। गैस पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म करने रखा है, आज को जो है हम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। इन वड़ी को हम इस जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी है
इसमें चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे और इन्हें हम तेल में छोड़ते जाएंगे। इस तरह करने से इनके ऊपर की जो लेयर है काफ़ी क्रिस्पी बन जाती है और ये अंदर तक तेल भी ज़्यादा सोखता नहीं है। आप चाहो तो इन्हें शेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इन वड़ी को चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर से पके हुए हैं, बस इन्हें हमें क्रिस्पी करना है। तो अगर आपके घर में कोई पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करता है तो आप इस तरह से बना के उन्हें खिलाए। ये देखिए चारों तरफ से परफेक्टली कुक होके रेडी है, परफेक्टली सुनहरा कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और जब आप इन्हें खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गोभी गोभी का ही टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि इसमें हमने जो धनिया डाला है, गार्लिक डाला है, उसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है काफ़ी बढ़ जाता है। मैं आपको इनका क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ। वाओ! तो आप भी इस गोभी की वड़ी को ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी।